सतनाम वाहेगुरु जी। तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। तिस गुर के ग्रह पीसों नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत। तिस गुर को चुलामु पाखा, महागन ते जिन हाथ दे राखा। तिस गुर के ग्रह ढोमु पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी। जारा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर, क्यावर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत, जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान, परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी वडभागे हो गुरु साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर बैठ करके गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण करदे हुए अपना जन्म सफल बना रहे हो। सारे मिल के बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। विद्वान ने लिखा है कि जदों सिख सिख नूं फतेह बुलाउंदा है, उन्हां दे बॉडी दे जिहड़े रोम ने वह सारे खेड़े विच आ जांदे। 7 करोड़ रोमां दी केसां दी गल कीती है, उस वेले जिहड़े बचन कीते ने 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोर, गुरसिख को गुरसिख मिले खिले 7 करोड़। गुरसिख ने दूसरे गुरसिख नूं आउंदे होए वेख्या, वह दो ही जाने सन, एक इधरों जा रहा है एक सामने आ रहा है। आपां ते बड़ी गिणती विच दरबार हाल विच बैठे हुए हैं, दोवां दे नेत्रां विच नेत्र पै ते 4 हो गए 2 ते 2 4 4 मिले, आपस विच निगाह विच निगाह पै गई। जदों एक दूजे नूं तकिया ते खेड़ा आ गया चेहरे उत्ते, 32 ते 32 दोवां जाणियां दे 64 दंद जिहड़े सन वो मुस्कराहट विच आ गए। फिर 10 उंगलां एक बन्नियों जुड़ियां, दोवां हत्थां दियां 2 हत्थ जुड़ गए, 10 उंगलां सामने वाले गुरसिख दियां जुड़ियां, मिले 20 कर जोर। इस तरह दोवें हाथ जोड़ करके उन्होंने फतेह बुलाई, ते हुण गज के बुलायो जे, कहन लगे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरसिख को गुरसिख मिले खिले 7 करोड़। 7 करोड़ रोम खेड़े विच आ गए जदों फतेह बुलाई, ते फतेह हमेशा गज के बुलाया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की खुशी मिलती है जदों उन्होंने युद्ध जितया सी, ये गल नहीं कही कि साड़ी फतेह हुई है, कहन लगे भई जीत मेरी कृपा काल तेरी। आख्या ये तुहाडी ही जीत हुई है, क्योंकि तुहाडी कृपा नाल हुई है। अज गुरसिख वीरां वल्लों संगतां वल्लों खालसा साजना दिवस नूं समर्पित दीवान सजाए हन। दिल्ली से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल
जो तकरीबन 11:15 बजे तक दीवान सजने हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की साजना की। भाई जैता जी ने पूछा भी दिल्ली में किन्ने क सिख सन जिन्हां ने अगे हो के हा दा नारा मारिया जदों पिता गुरदेव शहीदी प्राप्त की। उस तो पहला किन्या कने हा दा नारा मारिया? भाई जैता जी कहिंदे डर इन्ना सी, खौफ इन्ना सी, कोई अगे नहीं आया। नाले की पता लगता किहड़ा सिख ते किहड़ा दूजा, क्योंकि सारे दस्तारा सजाउंदे ने, सारिया के चेहरे उत्ते केस ने। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा ऐसा खालसा पंथ साजांगा जिहड़ा लखां विच खड़ा होया भी दसे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सिंह है। उस वेले बचन कह भाई जैतिया मैं नागा नू पावांगा तीरां दे अगे, मैं बिजली नचावांगा शमशीरां दे अगे, सतलुज दे जल विच पा के पतासे, इन्हां मोयां दे मूँह ते लियावांगा हासे। भाई जैतिया जिहड़े काम कलम दे नाल रह गए अधूरे, वो मैं तेग दे नाल करांगा पूरे, वो मैं हुण तेग दे नाल पूरे करांगा। सतगुरु जी ने थां थां ते लिख के हुक्मनामे भेजे, जिस तरह आपां पहलां हुणे जिक्र कीता। जदों हुक्मनामा पहुँचदा वो हुक्मनामे नूं मत्थे ना लाउंदे, सिख सिर दे उत्ते रख लैंदे, छाती ना लाउंदे, उहनूं चूमदे, कहिंदे गुरु ने हुक्मनामा भेजे। फिर जदों पढ़दे भी गुरु ने बुलाया, वो कहिंदे मैं भी जावांगा, दूजा कहिंदा मैं भी जावांगा, जथा तैयार हो जांदा। फिर आनंदपुर साहिब नूं चल पैंदे। विसाखी तो पहला पहला संगतां जिहड़ियां सन वो आनंदपुर साहिब पहुँच गईयां। किथे द्वारका है उत्थों संगत आई, जगन्नाथपुरी तो संगत आई, बिदर तो संगत आई, दिल्ली तो संगत गईयां, लाहौर शहर तो संगत आईयां। कहण तो भाव चारे पासियां तो संगत आ के इकत्र होईयां ने। उहनां विच्चों फिर पंज सिखां ने अपने सीस भेटा कीते। कोई उठे सिख बेटा जो करे सीस भेटा, वारी वारी पंजां ने भेटा कीते। गुरु ने उन्हां नूं पंज प्यारे आखिया, अमृत दी दात दित्ती। फिर आप अमृत छकिया, 20,000 प्राणियां ने अमृत छकिया। इत्थे गुरद्वारा रकाबगंज साहिब भी एक बारी वड्डी गिणती विच अमृत संचार होया सी। उदों दिल्ली कमेटी दी लिखत कहिंदी भी 14,000 प्राणियां ने अमृत पान कीता सी। ते सवेर तो लै के एक हिसाब दी रात ही पै गई सी अमृत छकाउंदिआं। उस दिन 20,000 प्राणियां ने अमृत पान कीता सी। 1699 दी विसाखी गुरु दे महलां माता ने साहिबजादियां ने अमृत पान कीता। गुरु साहिब जी ने रहतां दृढ़ करवाइयां, फिर वज्र करैता तो बच के रहण दी प्रेरणा दित्ती। ते खास करके आख्या ये जिहड़े केस गुरु दी मोहर ने इन्हां दी बेअदबी नहीं करनी, इन्हां दी वध तों वध सेवा संभाल करनी है। ते नाल जो रहतनामिआं दे बचन हन, कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने घर बांधई, दातन नीत करे ना दुख पावे लाल जी। हुण दातन दी जगह बुरश आ गए ने। शहरां विच बहु गिणती विच लोक अपना मुख दंद जिहड़े ने बुरश ना साफ करदे ने। बुरश करदे हो, दातन करदे हो, रोज़ करना है। जिहड़े मुख ना बाणी पढ़नी उहनूं साफ रखना साडा फर्ज बणदा है। फिर कंघा दो वारी रोज़ करना है, दस्तार जिहड़ी है उह रोज़ सजाउणी है। आ 13 तरीक नूं दस्तार दिवस लंघ के गया, सिख दस्तार दिवस। दो वारी
कंघा करना है तो दस्तार जदों भी सजाउणी केसां दे उत्ते एक एक पेज करके उतारनी। बासी दस्तार नहीं रखनी, नंगे सिर बाहर नहीं फिरना सिख ने, नंगे सिर भोजन नहीं छकना सिख ने। घर विच रहिंदिआं छोटी दस्तार सजाउणी है, बाहर जदों आपां गुरु घर आउणे, खास करके जदों गुरु घर आउणे ना उदों सोहणी दस्तार सजाउणी है। गुरु साहिब जी ने आख्या, जो हमरी फुन रहत सो राखे, जेड़ा मेरी दसी हुई रहत मर्यादा दी पालना करेगा, गुरबाणी रस नित उठ चख है। गुरबाणी दा रस चखण तो भाव है रोज़ सवेरे अमृत वेले इशनान करके मूल मंत्र गुरमंत्र दा जाप करके नितनेम करना, जेड़ा रोज़ करदा है। मैं तिनके सद बनो सहायक, मैं सदा उन्हां दे अंग संग सहाई होवांगा। जिहड़े अमृत वेला संभालणगे, जिहड़े गुरबाणी दा रस चखणगे, दुख रोग तिनके सब घायक, उन्हां दे दुख रोग भी दूर होणगे। ते असीं बाणी पढ़दे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बाणी नूं सुणन दे नाल दुख रोग दूर हो जांदे ने। ते गुरु साहिब ने कहा, उहदे दुख दूर होणगे, मैं उहदी सहायता करांगा, जिहड़ा मेरी रहत मर्यादा दी पालना करेगा, अमृत वेले उठ के नितनेम दे नाल जुड़ेगा, गुरबाणी पढ़ेगा। मैं ते बेनती करदा हुंना वी घट तो घट कह रहे हैं कि अपने जीवन विच एक वारी तो सहज पाठ किया जावे ना, चलो वध बाणी नहीं पढ़नी, एक सहज पाठ हर एक सिख जरूर करे। जदों संसार तो चले जांदे प्राणी, तो फिर आपां उहदे निमित्त अरदास करदे भी इहनूं चरणां विच निवास बख्शिओ, ते गुरु ये गल नहीं कहेगा भी मेरे सारे दर्शन ते ने किते नहीं ज्यूंदे ज्यूं। जिस वास्ते संसार विच आया, भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ते सत संगत विच बह के जपना चाहिए सत नाम श्री वाहे गुरु, वध फल मिलदा है। कल्ले भी जपो, पर जदों संगत विच मौका मिले इत्थे बह के भी रब दा नां लओ। गुरु साहिब जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, वो कहिंदे, जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना नै एक पछानै। एक अकाल पुरख नूं जपना है, एक अकाल पुरख दे नाल सांझ पाउणी है, एक अकाल पुरख दी पूजा करनी है, होर कोई पूजा नहीं करनी, क्योंकि पूजा अकाल की। ते पूजा किदां करनी है, कोई दीवे जगा के जां धूफां तखा के, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिदा। पूजा अकाल पुरख दी उन्ना चिर हो ही नहीं सकती जिन्ना चिर नाम ना जपया जाए। गुरबाणी आखदी, पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, विण नावै पूज ना होए। नाम तो बिना परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती। तुसी कुछ भी ना करो, रब का नाम जप लो तो रब की पूजा हो गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस तरीके नाल रब नूं याद करदे रहना, परमात्मा दा नाम जपना, हाथ पाऊं कर काम सब चीत निरंजन नाल, हाथां पैरां दे नाल काम कार करना है ते चित परमात्मा नाल जोड़ के रखना है। उस परमात्मा दी याद नूं अपने हिरदे विच वसा के रखना है,
पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। अंदर परमात्मा का प्रेम होना चाहिए, परमात्मा ते भरोसा होना चाहिए। जे प्रीत करनी है तो रब दे नाल कर, आ दुनियावी पदार्थां दे नाल प्रीत करेगा ये बिनसंहार ने, तो रब अविनाशी है, तो रब दे नाल प्रीत कर, गुरु दे नाल प्रीत कर। भगत ने कह दिता साजी प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। रब दे नाल प्रीत जिहड़ी है वह सच्ची प्रीत है, तो रब दे नाल प्रीत करे, रब दे नाल प्रेम करे, रब ते भरोसा करे, आ मड़ियां मसाणा नू ना मने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो बिना होर किते मथा ना टेके, मठा नू मड़ियां नू अपना सिर ना चुकावे। पर मैनू प्रतीत हुंदा है, भाई जगतार सिंह जी हुणी बैठे ने ताबिया विच, कि जिस दिन वीरवार हुंदा है उस दिन गुरु घर दे विच संगत घट हुंदी है, होर दिन भी घट हो सकती है। असी नोट कीता है कि इस दिन संगत क्यों घट है, फिर होर किते मत्था टेकन दा सबब बनता है। गुरु ने आख्या मड़ियां मसाणा नू मठा नू नहीं मनना, तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न एक पछाने, पूर्ण जोत जगै घट मैं तब खालस ताहे नखालस जाने। परमात्मा दी जदों जोत जगेगी ना अंदर प्रभु प्रेम दी, उस वेले ही खालसा है, फिर खालसा मन्या जाएगा, नहीं तो नहीं। जे ऊण ताइया ने फिर खालसा नहीं कहा सकता, क्योंकि खालसा जड़ा है उदे विच कोई मिलावट नहीं है, वह प्योर है, शुद्ध है। तो गुरु साहब जी ने सानू खालसा बनाया, खालसे नू साज के आख्या खालसा आज तेरा प्रगट होण दा दिहाड़ा ते है, पर तेरा मरन दिन किसे दिन भी नहीं आएगा, रहिंदी दुनिया तक खालसे दा जन्म दिहाड़ा ते मनाउंदे हो। खालसा प्रगट होया है पर इहदा मरन दिहाड़ा कदे भी नहीं मनाया जाएगा। खालसा अमर है, इहनू मिटाउण वाले मिट गए पर इह कदे मिट नहीं सकदा। इह सिक्खी दा बूटा जिहड़ा है इह गुरु साहिबाना ने आप लाया है। एक किसी ने कविता लिखी सी, वो केड़ा बूटा है जो हर थां फलदा है, तो उहदा उन्हें जवाब लिखिया सिक्खी दा बूटा है जो हर थां फलदा है। तुसी किसी भी देश में चले जाओ हर थां ये सिक्खी दा बूटा खिड़िया होया मिलेगा तुहानू। इहनू मिटाउण वाले मिट गए पर ये उदा ही हरा भरा है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ने वचन कहे सन जदों गुरु साहिब जी का पांच भूतक शरीर दरिया वल नूं लैके जा रहे सन, तो शायर ने इस तरह वचन लिखे भी जिवें गुरु साहिब जी कह रहे हैं। किसी ने आख्या सिखी का बूटा सुक गया कुमला गया, तो गुरु साहिब ने आख्या नहीं ये कुमला नहीं सकता, ये सुक नहीं सकता, कुछ ही दिन विच फुल इस दे खिलर जाणगे सारे संसार अंदर, कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर, मैक उठेगी चमकौर दी जू सारी टुटे गुल दो जदों बहार अंदर, अद खिड़े ही टहणियों तोड़ के ते चिण देवेगा कोई दीवार अंदर, लागे खिजा ने इस दे ढुकना नहीं औड़ लगी ते इसने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा
मुकना नहीं। जेड़ा बूटा गुरु साहिबान ने लाया वो कदे सुक नहीं सकता, वो कमला नहीं सकता, ना वो दे ते गर्मी का असर ते ना सर्दी का असर है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ी मर्यादा दित्ती उस मर्यादा विच रह के गुरु दियां खुशियां लईए। उन्हां आख्या कि जिहड़ा इस मर्यादा नूं पालेगा मैं उहदे अंग संग सहाई होवांगा। इस मर्यादा नूं पालण वाले जिहड़े साडे वडेरे सन उन्हां दा नां वी इतिहास विच सदा रहेगा। जे खालसा पंथ साजिया तो खालसा राज भी आया तो खालसे दे राज विच कदे भी किसे ना वधीकी नहीं सी होई। इखलाक उच्चा सी खालसे दा, खालसे नू गरीब परवरी बनाया, दूजियां दी मदद करन वाला बनाया। एवें नहीं कोई भी बिपता आवे तो सिंह जाके लंगर लगा देंदे ने। ये गुरु साहब ने कृपा की है, खालसे नू बनाया ही ऐसा है। चाहे पिछे करोना की गल करिए ते आ पिछले साल की गल करिए, लंगर तो लगाते ही सन, पर किसे वेले ऑक्सीजन की लोड़ पै गई तो लोगों ने सिलंडर के रेट वधा दिते, डबल रेट कर दिते, ते खालसे ने ऑक्सीजन का भी लंगर ला दिता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इतिहास लिखा जाएगा, उन्हां दा नाम भी ले लैणगे लोग जिन्हां ने ये लंगर लगाए, ते उन्हां नूं भी याद करिया करनगे जिन्हां ने डबल रेट ते सिलंडर दिते। ये पॉजिटिव ते नैगेटिव नाल नाल चलणगे। हद हो गई है, उधर आदमी मर रहे ने ते वो अपने बिजनेस विच वाधा कर रहे। वो कहिंदा डबल रेट ते सिलंडर मिलेगा, पर गुरु दा खालसा कहिंदा फ्री लै जाओ, पर खाली सिलंडर जरूर लै के आओ, खाली दे जाओ ते भरिया लै जाओ। ऐसा खालसा बनाया। महाराजा रणजीत सिंह दा राज है ते महाराजे ने अपना भंडारा खोल दिता। आखिया जिन्नी कणक किसे तो पाई जाती है वो पंड बन के लै जाओ। तो एक बजुर्ग ने वड्डी पंड पा ली, उहदे तो चुकी ना जावे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने देखिया भी बजुर्ग तो पंड नहीं चुकी जाती। उन्होंने अपना मूँह वलेट के चादर नाल मूँह ढक के भेस वटा के आखिया बाबा जी लियाओ, मैं ताड़ी पंड ताड़े घर छड के आउणा है। जदों घर जाके पंड सुटी ते वापस मुड़न लगा, उस बजुर्ग ने आख्या नौजवाना तू मेरा मन मोह लिया, तू मेरा मन जित लिया, ते मेरा मन कहिंदा भी एक वारी मैनू अपने दर्शन दे, आ पड़दा परे कर। जदों पड़दा हटाया तो महाराजा रणजीत सिंह नज़र आया, कहन लगा महाराजा रणजीत सिंह आप आए। कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा गुरु नानक दे दर दा सेवक हाँ, पहला मैं सेवक हाँ तो फिर मैं महाराजा वा, पहला सेवक है तो फिर महाराजा हाँ। तो उस वेले आखिया सी के काबल ते कंधार तक मैं पाउंदा हुकर हाँ, परजा दा सेवक हाँ, गुरु नानक दे दर दा कूकर हाँ। मैं ते गुरु दे नानक दे दर दा कुत्ता वां, मैं उहदे दर दा कूकर उहदे दर दा सेवक हाँ। ते पहला मैं सेवक ते फिर मैं महाराजा। बापू जी कहन लगे ताड़ी पग खराब हो गई, कहन लगे बापू जी पगां ते होर भी बन लांगे, पर जे मेरे राज विच तेरे वर्गे बजुर्ग दुखी होण ते मैं एहो जे राज नूं की करना है। राज ओ चंगा जिहदे विच प्रजा खुश होवे।
आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ साजिया तो यह खालसा गरीब परवरी बनाया, दूजियां दी मदद करन वाला बनाया। हमलावर आउंदे सन हिंदुस्तान दे विच, खजाने लुट के लै जांदे सन, धीआं भैणां नूं नाल बंदी बना के लै जांदे सन, ते जे उहनां नूं रोकिया गुरु दे खालसे ने रोकिया, उहनां धीआं भैणां नूं उहनां तों छडा के घरों घरी बा इज्जत पहुँचाउणा कीता। ते उस वेले इन्ना विश्वास इन्ना यकीन बन गया सी कि जिस पिंड दे बार बार खालसे जा के अपने तंबू ला लेंदे सन, उस पिंड दे विच हर माँ अपनी बच्ची नूं कहिंदी सी अज भावें दरवाजे खुले छड के सौं जा, अज कोई डर नहीं। वह कहिंदी सी माँ जी अज क्यों दरवाजा खुला छड्डना है, ते अगों जवाब आउंदा सी अज अपने नगर विच गुरु का खालसा है, गुरु का खालसा है, अज आपां नूं कोई डर नहीं है क्योंकि अपने नगर विच खालसा आया है। ये उच्चे किरदारां वाले, ते मैं हरी सिंह नलुए की गल करके फिर फतेह बुलाउणी है क्योंकि खालसा साजना दिवस मना रहे आपां। बीबी बानो ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੋਸਤ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਛਾ ਹਰੀਆ ਰੰਗ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੇਟਾ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਵੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੈਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਬੀਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜਨੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੁੱਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ,
अज तो तू मेरी माँ ते मैं तेरा पुत्र। अजे के उम्र विच ओ काफ़ी छोटी है हरी सिंह नलुआ तो आख्या अज तो तू मेरी माँ ते मैं तेरा पुत्र, जो तू चाहनी सी तेनू मिल गया, मैनू पुत्र बना लै। मैल आई अंदर ते झट गुरसिख ने अंदरों मैल कढ दित्ती। ऐसा उच्चा करदार सी खालसे दा। अज खालसा साजना दिवस नू समर्पित ये महान दीवान समूह संगत वालों दिल्ली से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे नाल सजाए गए हैं। सतगुरु जी इन्हां गुरसिख वीरां नू चढ़दी कला दे जीवन बख्शन। इस उदम की शलांघा करते हुए इस पावन स्थान के चेयरमैन अते सीनियर मीत प्रधान दिल्ली से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरविंदर सिंह जी केपी जी ने भी खालसा साजना दिवस की बहुत बहुत वधाई भेजी। समूह संगतां नू बेअंत बेअंत वधाइयां जी। फतेह बुलाओ। अगला प्रोग्राम भाई हरभजन सिंह जी दस रहे हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू।